बट कंटेंशन जो वर्ड है जिसे हम यूज करते हैं की इस्तेमाल होता है बोन ऑफ कंटेंशन आपने जरूर सुना होगा बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है विवाद की जड़ ठीक है विवाद की जड़ बटेंट कंटेंशन content, जो वर्ड है ये आर्ग्यूमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है माई कंटेंशन इज अब सपोज दो लोग किसी बात पर दलीलें दे रहे हैं तो जो एक इंसान की दलील होगी उसके लिए भी कंटेंशन वर्ड का इस्तेमाल होता है हमेशा विवाद के लिए ही नहीं होता Now let's get started with the daily vocab dose जो कि daily vocab analysis है आपकी इसीलिए analysis है यहाँ शब्द नहीं रटाए जा रहे right पूरी analysis को दिमाग में रखेंगे शब्द हमेशा ध्यान में रहेगा पहला शब्द है dotage the period of life in which a person is old and weak उसको dotage कहते हैं old age especially with some loss of mental ability you could live here and look after me in my dotages यानी जब मेरा जीवन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कम हो जाए मेंटल एबिलिटी भी सोचने समझने दिमागी तंत्र ये सब ढीले हो जाते हैं शरीर हमारी चलती है ऐसे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें झुकाव ही आता है तो उसी को उस पीरियड को डॉटेस कहते हैं बहुत प्यारा शब्द है हो सकता है एस एस के एग्जाम में कभी वन वर्ड में भी आ जाए अगला एक्सप्रेशन है हमारे पास एल्फा एंड ओमेगा एल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड द बिगिनिंग एंड द एंड

तो यानी जो चीज़ अब बहुत घिसी पिटी है उसका कोई प्रैक्टिकल पर्पज नहीं है यूज ऑफ वर्ड रिक्लाइन वो रिडनडेंट हो जाता है अगला शब्द है सरली सरली ग्रामेटिकल प्रोफाइल आप हमेशा सेंटेंसेस से, से खुद ही डिड्यूस कर सकते हो वेटर नाउन है तो नाउन के पहले सरली लिखा है तो ये क्या होगा दिस विल बी एडजेक्टिव अन फ्रेंडली एंड रूड बिहेवियर ऑफ एन इन अ बैड मूड अन फ्रेंडली एंड नॉट पोलाइट बी वर्ड बाई अ वेरी सरली वेटर वेटर का जो है वो मूड खराब है राइट तो इसलिए उसका जो कंडक्ट और बिहेवियर है वो भी आपको थोड़ा सा रूड लग रहा है अनफ्रेंडली लग रहा है ही गेव मी अ सरली लुक तो आप किसी को सरली लुक दे रहे हैं इसका मतलब आपका लुक जो है वो प्लेजेंट नहीं है राइट वेलकमिंग नहीं है अनवेलकमिंग अगला शब्द है क्रॉस क्रॉस याद रखिए सी आर ओ डबल एस आपको पता है क्रॉस करना एंड दिस इज क्रॉस सी आर ए डबल एस इट्स नेगेटिव वर्ड स्टूपिड शोइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग ऑफेंसिव इन मैनर और स्टाइल उसको हम कहते हैं क्रॉस इट वॉज अ क्रॉस कॉमेंट तो मतलब जो बिल्कुल स्टूपिडिटी से भरा हुआ लग रहा है बहुत ही जिसको हम अनकूथ कहते हैं अनरिफाइंड कहते हैं वो चीज क्रॉस होती है सो इट वॉज अ क्रॉस कॉमेंट टू मेक वेन ही न्यू हाउ अपसेट शी वॉज मतलब सामने वाला अपसेट है और उसमें भी आप इस तरह के कमेंट पास कर दो जो कि स्टूबिडिटी से भरा हुआ है राइट right? सामने वाले को वो अफेंड कर रहा है तो उसको क्रॉस कहते हैं सी आर ए डबल एस नेक्स्ट वर्ड इज कंपोर्ट कंपोर्ट अब इसी कंपोर्ट से शब्द आता है कंपोर्टमेंट और एक दूसरा शब्द है कंपार्टमेंट तो कंपार्टमेंट से आप सभी परिचित हैं जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट होते बट कंपोर्टमेंट होता है आपका बिहेवियर और इसी मेथड को हम कहते हैं होमोफोन्स कि अगर जो ऐसे दो शब्द जो कि सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं बट उनके स्पेलिंग में फ़र्क है और मीनिंग में भी फ़र्क है तो ये कंपोर्ट जो है वर्ब है और वर्ब के साथ साथ जब इसका नाउन बनाओगे तो एमी एंट्री एड कर दोगे कंपोर्टमेंट बिहेवियर हो जाता है लेकिन देखो वर्ब के तौर पे इसके दो मतलब हैं और एक मतलब जो है वो आपका ट्रांजिटिव सेंस में होता है और एक इन सेंस में होता है ट्रांजिटिव जानते हो आप सकर्मक क्रिया यानी एक बार ये ऑब्जेक्ट लेता है वर्ब के बाद और दूसरे इन ट्रांजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लेता तो देखो आप इधर लिखा है कंडक्ट वन सेल्फ और दूसरा जो मतलब है वो है अकॉर्ड और विद तो आप किसी चीज के साथ सहमति दिखा रहे हैं या जिसको हम कहते हैं ना इन अकॉर्डेंस इन हारमोनी जो चीज उस सिचुएशन के लिए बिल्कुल फिटिंग हो उपयुक्त हो करना बिल्कुल सही हो

रिफ्लेक्ट करता है यानी जब काम करने वाला और काम का परिणाम भुगतने वाला एक ही इंसान हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं खैर उसके लिए और लंबा ज्ञान है बट बेसिक डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज ऑब्जेक्ट काम करने वाला सब्जेक्ट है काम को जो रिसीव कर रहा है एक्शन को रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है और क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद आते हैं तो इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब

बहुत ही सीक्वेंशियल मैनर में ऐसा नहीं कि उनकी बातें आगे पीछे होती हैं देनो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर टॉक जो मेन बॉडी है वो क्या है बातचीत की और कैसे उसको एंड करना है ये भी स्पीकर का ट्रेट होता है कि बहुत ही आर्टिकुलेट स्पीकर है शशि थरूर साहब इज़ एन आर्टिकुलेट स्पीकर इन आर्टिकुलेट वो लोग होते हैं जो क्लमजी होते हैं दे डू नॉट नो व्हाट टू स्पीक फर्स्ट व्हाट टू स्पीक सेकेंड राइट प्लेस पे क्या बोलना है बातों की अरेंजमेंट उनकी अच्छी नहीं होती तो आर्टिकुलेट पॉजिटिव वर्ड है बिल्कुल तो आर्टिकुलेट स्टूडेंट्स हु कंपोर्टेड यानी जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव किया अपना कंडक्ट उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही अच्छा था इंटरव्यूज में आवर आउटडेटेड रूल्स डिड नॉट कंपोर्ट विद ट्वेंटी सेंचुरी रियालिटीज राइट तो जो हमारे आउटडेटेड रूल्स हैं वो ट्वेंटी सेंचुरी की रियलिटीज के साथ नहीं जाते उसके साथ अग्री नहीं अब देखो यहां अग्री लिटरल नहीं है ऐसे नहीं कि नहीं सामने वाले ने कुछ कहा और आपको उसके साथ सहमति जताानी है यहाँ पे वही बात की जिस तरह की रियलिटी है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की ये उसके अनुसार नहीं जा रहा उस कॉन्टेक्स्ट में कंपोर्ट विद का इस्तेमाल होता है और यहां पे देखें तो ये वर्ब के तौर पे यूज होता है यानी जब इसका मतलब अग्रीमेंट और अकॉर्डेंस वाला होता है कि ट्वेंटी सेंचुरी के अनुसार नहीं है हमारे ये रूल्स इसलिए आउटडेटेड हैं तो वहां पे ये इंट्रांसिटिव हो जाता है अगला जो शब्द है वह है, इम्पिश देखा होगा जरूर पढ़ा होगा सुना होगा showing no respect for somebody something in a way that is amusing rather than serious impish act जैसे हम बोलते हैं suggesting behavior that is playful but likely to upset other people तो मतलब तुम्हें लग impish act का मतलब क्या होता तुम्हें लग रहा है कि तुम मजाक कर रहे हो but सामने वाले सामने वाला जो इंसान है ना वो उससे offend हो रहा है तो इसीलिए showing no respect वाली बात हो रही है कि वहां पे तुम्हें थोड़ा सीरियस होना चाहिए बट तुम्हारा जो बिहेवियर है वो उतना सीरियस नहीं है एट सेवेंटी ही स्टिल रिटेन्स हिज इम्पिश ग्रीन सत्तर साल के हो गए बट इम्पिस ग्रीन अभी भी है जो एक होता है ना दूसरे को नीचा दिखाने वाला या अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली हंसी मुस्कुराहट तो वो अभी भी बरकरार है इस आदमी के अंदर मच्योरिटी नहीं आई ही है वही है इम्पिश एक्ट इम्पिस ग्रीन अगला शब्द है गाफ और अगेन इसको भी बहुत बार कंफ्यूजिंग uh, वर्ड्स में मैंने डिस्कस भी किया है इसके साथ एक और जो कंफ्यूजिंग वर्ड आता है वो है जी ए डबल एफ यहाँ पे ई e, यहाँ पे विदाउट ई आ गया ये तो गाफ का मतलब होता है metallic rod that is used for fishing जिसके लास्ट में एक हुक लगा होता है तो याद रखिए यानी मछली पकड़ने की जो रॉड होती है ना वह उसमें लास्ट में एक हुक होगा उसमें आपने चारा लटका रखा होगा तो उस मेटेलिक रॉड को गाफ कहा जाता है जी ए डबल एफ और दूसरा जो गाफ है इट्स अ मिस्टेक दैट अ पर्सन मेक्स इन अ सोशल और पब्लिक सिचुएशन स्पेशली समथिंग वेरी इम्बेरसिंग अगेन दिस वर्ड इज वेरी कॉमन इन न्यूज पेपर्स पर्टिकुलरली इन द डेज ऑफ इलेक्शन एंड ऑल जब कैंपेनिंग मोड चल रहा होता है तो जो नेताजी लोग होते हैं उनको दिन भर में बारह पंद्रह बीस बीस सभाएँ करनी होती हैं और कई बार बोलने में जबान फिसल जाती है तो न्यूज़पेपर में यही शब्द आ जाता है कि दिस मिनिस्टर या दिस लीडर डिड अ गाफ इन दैट पब्लिक मीटिंग यू you नो know? तो जैसे राहुल गांधी साहब के लिए बहुत बार इस्तेमाल हुआ है हो जाता है जबान फिसल जाती है हमारे गृह मंत्री की जबान एक बार फिसल गई थी आई थिंक जब लास्ट कर्नाटक का इलेक्शन था तो इस इस वाले से पहले वाले की बात हो रही है तो वहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट के ही नाम में उनकी जबान फिसल गई थी तो हो जाता है तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वही है कि जब आप एक पब्लिक गैदरिंग में लोगों के सामने आपसे कोई गलती ऐसी हो जाए जो कि बहुत ही इंबेरसिंग हो ऐसी गल, गलती को जो आप कहते हैं क्या गाफ एंड द फ्रेंच वर्ड फॉर दिस इज एफ एक्स पी एस ये फ्रेंच वर्ड है एंड द राइट प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज फो पा मोमेंट द प्रोनाउंसिएशन इज फोपा इट्स नॉट फॉक्स पास इट्स फोपा मोमेंट सो दिस इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन राइट Uh, उसी की बात है इस फेलियर टू आस्क फॉर हिस्स टीचर्स एडवाइस वॉज अ मेजर गाफ एम्बेसिंग मिस्टेक अगला शब्द है रिक्वायल टू क्विकली मूव अवे फ्रॉम समबरी समथिंग अनप्लेजेंट रिक्वायल री का मतलब भी क्या है बैक और अगेन जब हम रूट वर्ड की बात करते हैं और मैं फीचर्स की बात करता हूं कि जब भी आप रूटवर्ड से शब्दों को सीखें तो उनके फीचर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कई बार हमें लगता है कि अच्छा इस रूट का यही मतलब होता है लेकिन फीचर क्या है कि एक ही रूट के या एक ही प्रेफिक्स के दो से ज्यादा मतलब हो सकते हैं जैसे री का प्रेफिक्स के तौर पे मतलब बैक भी है और री का प्रेफिक्स के तौर पे मतलब अगेन भी है और शब्दों की झड़ी आप खुद कमेंट सेक्शन में लगा देंगे मैं बस थोड़े थोड़े से इशारे यहां पे कर देता हूं आपके लिए तो बैक के लिए जैसे आप गाड़ी को रिवर्स गियर में डालते हैं वर्स का मतलब टर्न री का मतलब बैक बहुत ही बेसिक सा शब्द बचपन से सुन रहे हो रिटर्न और आपको ये भी आ, सलाहियत दी जाती है कि भाई रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल ना करो ये रिडेंडेंट हो जाएगा कारण क्या है उसका क्योंकि तो टर्न का मतलब मुड़ना री का मतलब बैक तो रिटर्न का मतलब ही होता है पीछे मुड़ना अब आपने रिटर्न के बाद बैक भी लगा दिया तो उस इंसान ने जहां शुरू किया था वहीं पहुंच गया दैट इज वाई हम नहीं लगाते इसी री के बैक से जब मतलब है तो यहां से रिफ्यूज शब्द भी आता है फ्यूज का मतलब क्या होता है मिलना फ्यूजन जैसे फ्यूजन म्यूजिक होती है तो दो लोग मिल रहे हैं वो फ्यूज है है का मतलब आपने मिलने से से हाथ पीछे खींच दिया कर दिया रिफ्यूज कर वहीं से शब्द आपके पास आता रिजेक्ट अब यहां पे देखो तो जेक्ट भी रूट वर्ड है जेक्ट का मतलब थ्रो करना होता है प्रोजेक्ट करना प्रोजेक्टाइल मोशन आगे फेंकते हो इंजेक्ट अंदर की तरफ फेंकते हो इंजेक्ट करना इंजेक्शन इंजेक्टर inject का exact opposite पूछा जाए तो वो eject होता है e का मतलब बाहर eject का मतलब थ्रो करना eject करना राइट right? तो inject reject project deject if someone is feeling absolutely dejected तो d नेगेटिव हो गया यानी वो जिंदगी में बहुत ही हताश निराश फील कर रहा है राइट right? तो वो dejected फील कर रहा है तो इसी eject से ये सारे शब्द आते हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं अब मैं कलर कोडिंग चेंज करता हूं क्योंकि अब हम लिखेंगे क्या अगेन वाले तो अगेन में क्या क्या शब्द आ जाएगा भाई जैसे आपके पास शब्द आता है रेनोवेशन तो जब आप रेनोवेशन करते हैं तो ओ वी का मतलब नया होता है रूट वर्ड है ये भी यहीं से आता है इनोवेट जब आप इनोवेट करते हैं कुछ नवाचार करते हैं राइट सो so, रेनोवेशन जब चल रही होती है तो तोड़ फोड़ करके फिर से नया बनाया जाता है रेनोवेट करना राइट अगेन हो गया री इनकारनेशन पुनर्जन्म कार्न का मतलब बॉडी या फ्लैश इन का मतलब जन्म या अवतरण क्योंकि जब जन्म और अवतरण होता है तो बॉडी कैसे आती है भाई स्पर्म और एग जो है वो मिलते हैं फ्यूज होते हैं नौ महीने की पूरी प्रक्रिया है और ये स्पर्म और एग क्या है एनर्जी फॉर्म्स ही तो हैं राइट right? विजिबल भी नहीं है तो नंगी आंखों से तो वो एनर्जी फॉर्म नौ महीने के बाद एक बॉडी धारण करके बूम से बाहर निकलता है तो वो क्या है इनकार बॉडी में आ रहा है और फिर से दोबारा प्रकट हो लिए तो री इनकारनेशन राइट तो आप और कौन कौन से रीमेक करना बहुत अच्छे फिर से बनाना तो यही है ब्यूटी रूट वर्ड की लेकिन इसको हमेशा इसके फीचर के साथ ध्यान रखना है ये नहीं कि कहीं अडियल होगा नहीं नहीं मैंने तो पढ़ा तरीका मतलब बैग होता है अरे बैग भी होता है और अगेन भी होता है दोनों हो सकता है कोई दिक्कत नहीं भर भर के शब्द हैं तो चलिए रिक्वायल वे क्योंकि मूव अवे की बात हुई है ना यानी बंदा पीछे हो गया तुरंत क्विकली मूव अवे फ्रॉम समबडी समथिंग अनप्लेजेंट कुछ अनप्लेजेंट हुआ जैसे मान लो कहीं पे आग लग गई विस्फोट हो गया तो आप वहां पे हो तो वहां से भाग जाते हो ना पीछे हट जाते हो जब इस लेवल पे शब्द अंदर घुस जाता है आप उसको जज्ब कर लेते हैं फिर जिंदगी भर नहीं भूलता सरफेस से खत्म होकर गहराई में जाता टू मूव बैक बिकॉज ऑफ फियर और डिस्क डिसलाइक और डिसअप्रूवल शी वंडर्ड हाउ इट वुड बी टच एंड एट द थॉट